भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हामिद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी ये नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए, और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हामिद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही इस साक्षात्कार में जो दूसरी बात आई है जो बहुत चिंताजनक है, नुसरत मिर्जा, इनको 2010 में आप मेहरबानी देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मेहरबानी कैसी है? हामिद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए।